अभी आपको सफेद तिल के लड्डू बनाना, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू। ये मेरे पास आधा किलो सफेद तिल है, इसको भून रहे हैं। इधर मैंने कढ़ाई में गुड़ को डाल दिया है, एक कटोरी गुड़ है। इसमें हम पानी डालेंगे, गुड़ को पिघलने देंगे। ये सफेद तिल हम भून लेंगे। तीन चार मिनट हमको भूनना है बस। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनते हैं इसमें के। अब मैंने पहले एक वीडियो बनाया था तिल का लड्डू का, तो वो धुली हुई तिल का था, जिसमें पॉलिश रहती है तिल, उसमें का लड्डू बनाया था। ये छिकले वाले तिल हैं, देसी तिल। इसमें को बहुत ही सौंधा लड्डू बनता है। इसको हम भून लेंगे। देखिए चिट चिट की आवाज हो रही है। देखिए तिल हमारी भून गई है। चार से पांच मिनट लगा है इसको भूनने में, क्योंकि कढ़ाई हमारी भारी है तो थोड़ा गर्म होने में समय लगा है, इसीलिए 4 से 5 मिनट लगा है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। तिल को हम पलट लेंगे, नहीं तो तिल हमारी जल जाएगी। हमने तिल को थाली में निकाल लिया है। देखिए देखिए गुड़ हमारा पिघल रहा है। गुड़ को हम अच्छे से पकाएंगे। पानी डाल के अगर हम गुड़ को पकाते हैं तो उसमें से लड्डू हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। कितना बढ़िया हमारा गुड़ पक गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और गुड़ को तिल में हम डाल लेंगे। थोड़ा सा गड्ढा करेंगे ऐसे तिल पे और गुड़ को थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे मिला लेंगे। देखिए तिल को हमने मिला लिया अच्छे से गुड़ में। अभी ये गर्म है, थोड़ा सा हाथों में पानी लगाएंगे और इसका लड्डू बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनते हैं इसमें के। देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अगर मेरे लड्डू बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो जरूर आप भी बनाइए इस मकर संक्रांति।